हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी यूट्यूब चैनल। मैं हूं जुगल शर्मा और आपसे इस वीडियो में सावर झील के बारे में संपूर्ण जानकारी डिस्कस करूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन सावर झील से बनता है कि ये किस जगह पर स्थित है। तो सावर झील की यदि प्रशासनिक रूप से बात करें तो ये जयपुर जिले में स्थित है। ठीक है, जयपुर जिले में भी एक जगह पड़ती है फुलेरा। ठीक है, अगर आप अजमेर जाते हो जयपुर से तो फुलेरा जंक्शन पड़ता है, बहुत बड़ा जंक्शन है, तो फुलेरा में ये स्थित है। इसका कुछ भाग नागौर में भी है, कुछ भाग इसका नागौर में भी है। ठीक है, अतः प्रशासनिक कार्य की दृष्टि से जयपुर में माना जाएगा इसको। सावर झील का तल समुद्र तल से भी नीचा। एक क्वेश्चन ये भी बहुत बार पूछा गया है कि राजस्थान में किस स्थान का तल समुद्र के तल से भी नीचा है। समुद्र के तल से भी नीचा है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उसमें भी सांवर झील का नाम आएगा कि राजस्थान में सांवर झील का जो तल है वो समुद्र के तल से भी नीचा है। अगर इसकी डाटा की बात करें कि लंबाई कितनी है इसकी, तो 32 किलोमीटर इसकी लंबाई है। चौड़ाई की बात करें तो 3 से 12 किलोमीटर ये इसका चौड़ाई है। ठीक है, 32 किलोमीटर लंबी है, 3 से 12 किलोमीटर चौड़ी है। और अब्भा क्षेत्र की अगर बात करें तो अब्भा क्षेत्र है इसका 500 स्क्वायर किलोमीटर इसका अब्भा क्षेत्र। ठीक है, अब एक क्वेश्चन यहां से इंपॉर्टेंट ये आता है कि इसमें कौन कौन सी नदियां आकर गिरती हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो इसमें नदियां कौन कौन सी आकर गिरती हैं वो मैं बता देता हूं। इसमें नदियां आकर गिरती है, एक तो मेंथा, एक है रूपनगढ़, ठीक है, एक है खारी और एक है खंडेला। ठीक है, ये प्रमुख नदियां हैं जो इसमें आकर गिरती हैं, मेंथा, रूपनगढ़, खारी और खंडेला। ये आपको याद रखनी है, ये चारों नदियां इंपॉर्टेंट है, इसमें आकर गिरती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक व खारे पानी की झील है। ठीक है, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है ये। आपको मैं एक चीज जानकारी यहां पर दे देता हूं, आप नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी इस चैनल के नाम से ही, प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन है या फिर कम्युनिटी पोस्ट में मैंने शेयर करा हुआ है, आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और टेस्ट सीरीज दे सकते हो आप, जिसमें मैं इंपॉर्टेंट टेस्ट उपलब्ध करवाता हूं। ठीक है, तो नदियां कौन कौन सी गिरती हैं इसमें, मेंथा, रूपनगढ़, खारी और खंडेलिया। एक शिलालेख है जो कि बहुत प्रसिद्ध है, बिजोलिया शिलालेख। ठीक है, चौहानों के बारे में वर्णन मिलता है बिजोलिया शिलालेख में। तो इस बिजोलिया शिलालेख में सावर झील का निर्माता वो किसे बताया गया है, वासुदेव चौहान को सावर झील का निर्माता बताया गया है इस बिजोलिया शिलालेख में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगले इंपॉर्टेंट फैक्ट पर हम आगे बढ़ते हैं। देश का सर्वाधिक नमक 8.7% यहां से उत्पादित होता है सांबर झील से। यहां पर म्यूजियम सॉल्ट की स्थापना की गई है, जिसे पर्यटन के क्षेत्र में रामसर साइट या फिर रामसर सम्मेलन के नाम से संरक्षित है। यहां पर म्यूजियम सॉल्ट की स्थापना की गई है और रामसर आर्द्र भूमि में भी शामिल है। ठीक है, दो जगह शामिल है राजस्थान में रामसर आर्द्र भूमि में, एक तो कौन सी है, एक तो केवलादेव है और दूसरी है रामसर आर्द्र भूमि में शामिल, वो है सांभर झील। ठीक है, यहाँ केंद्र सरकार का कारखाना है हिंदुस्तान सांभर सॉल्ट लिमिटेड, जिसका निर्माण हुआ था 1964 में। हिंदुस्तान सांभर सॉल्ट लिमिटेड, इसकी स्थापना हुई थी 1964 में। ठीक है, यह आपको याद रखना है। सावर झील को अंग्रेजों ने 1817 में लीज पर लिया, तो अंग्रेजों ने सावर झील के लिए नमक समझौता 1869 में किया। क्वेश्चन पूछा हुआ है भाई सब एग्जाम में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने
अंग्रेजों ने, क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है, अंग्रेजों ने सावर झील में, सावर झील को लीज पर कब लिया, तो अंग्रेजों ने सावर झील को 1817 में लीज पर लिया। इसके अलावा एक क्वेश्चन यह भी पूछा हुआ है कि नमक समझौता कब किया अंग्रेजों ने, नमक समझौता यह हुआ था 1869 में, डायरेक्ट पूछा हुआ है सन, नमक समझौता कब किया गया था 1869 में। सावर झील में जो नमक बनाया जाता है वो क्यारी पद्धति से बनाया जाता है, सावर झील में नमक क्यारी पद्धति से बनाया जाता है। रियासत काल में सांवर झील के नमक पर जयपुर और जोधपुर रियासतों का अधिकार था, यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि रियासत काल में जोधपुर प्लस जयपुर इन दो रियासतों का अधिकार था, जोधपुर प्लस जयपुर रियासत का अधिकार था सांवर झील के नमक पर। ठीक है, सांवर झील में उत्तरी एशिया से सर्दियों में राजहंस फ्लेमिंगोज पक्षी बड़ी संख्या में आते हैं, सर्दियों में यहां पर राजहंस आते हैं, राजहंस पक्षी। हाल ही में कोरोना के टाइम पे ये सांवर झील फेमस रही थी क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पक्षी मृत पाए गए थे, तो सांवर में सर्दियों में राजहंस पक्षी बहुत संख्या में आते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो सांवर झील के बारे में इम्पोर्टेंट हमने ये चीज़ें डिस्कस करी थी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, दोस्तों को शेयर भी करें, नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी ऐप को जरूर डाउनलोड करें, ये आपको हेल्पफुल रहेगा एग्जाम के लिए।